हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन दिस एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सीरीज़ में मैं एसएससी एमटीएस 2019 के जो पेपर चल रहे हैं और आगामी फोर्थ कमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे अलग अलग शिफ्ट्स में, उनमें ये क्वेश्चंस जरूर जरूर पूछे जाएंगे एसएससी एमटीएस के सभी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें ले रहा हूँ और टॉप 20 के नाम से ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये टॉप 20 का पार्ट वन है और इसमें मैं बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ इंग्लिश सेक्शन के, और इसमें टॉपिक वाइज भी मैं लूँगा और मिक्स्ड क्वेश्चंस भी लूँगा। डेफिनेटली इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। प्लीज़ पूरी वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी इसको आप ना करें, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, इंग्लिश सेक्शन के पीडीएफ्स, जीके के भी कुछ पीडीएफ्स यहाँ पर मिलेंगे, ईबुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, क्रैश कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इस साइट को आप जरूर जरूर विजिट करें और यहाँ से आप जो भी इंपॉर्टेंट आपके काम की पीडीएफ्स हैं उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, एक ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। वी आर प्लीज्ड दैट आवर डॉटर इज मैरिड विद सच ए नाइस मैन। हमें खुशी है कि हमारी बेटी की शादी एक अच्छे व्यक्ति से हुई है। अब इसमें देखिए क्या चेक किया जा रहा है, आपका प्रपोजिशन की जो नॉलेज है वो चेक की जा रही है। वी आर प्लीज्ड, ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सेंटेंस सही है, हम खुश हैं। प्लीज्ड इसमें एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर आया है। तो वी आर प्लीज्ड दैट आवर डॉटर इज, यहाँ पर इज भी सही है क्योंकि ये डॉटर के साथ लगा है, लेकिन मैरिड के साथ हम, मैरिड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ हम किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये होगा, वी आर प्लीज्ड दैट आर डॉटर इज मैरिड टू सच अ नाइस मैन, मैरिड टू सच अ नाइस मैन। तो चूंकि ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, शी इज मैरिड टू, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, इसलिए विद के स्थान पर हम इसमें टू का प्रयोग करेंगे। और यदि आप एक्टिव वॉइस में बोलते हैं, जैसे आई मैरिड हिम या आई मैरिड हर, तो उसमें आप कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते, क्योंकि मैरिड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर ये विद जो है ये गलत है, विद के स्थान पर इसमें टू आएगा। और ये किस पार्ट में है विद, ये बी पार्ट में है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर वन में आपका आंसर होगा बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये इडियम का क्वेश्चन है, टू स्टील समवंस थंडर, टू स्टील समवंस थंडर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कि सपोज दो लोग कहीं पर काम कर रहे हैं और दोनों में कंपटीशन हो रहा है, तो एक व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है और वो पहले ही उस काम को कर देता है और पूरा क्रेडिट ले जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टू स्टील समवंस थंडर, टू डू अ जॉब बिफोर अनदर पर्सन कैन डू इट एंड टेक अवे द क्रेडिट, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के करने से पहले आपने उस काम को कर दिया और आपको पूरा क्रेडिट उसका मिल गया। तो यहां पर इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इनकर्जन। इस वर्ड को आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनकर्जन का मतलब होता है आक्रमण करना, धावा बोलना, ठीक है, धावा बोलने को हम इनकर्जन बोलते हैं। और इसको, इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम है जो इस वीडियो क्लास में यहाँ पर इस पीपीटी में दिया गया है वो है एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब हालांकि आक्रमण होता है, एग्रेशन, ठीक है, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, तो एग्रेशन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा इनकर्जन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सपोज आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी काफ़ी लंबी है लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है या आपको लग रहा है कि लोग उससे बोर हो जाएंगे, तो आप उस लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यूज टू एंड एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स क्विकली, पूरी पूरी घटना को क्विकली जल्दी से बता देना ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लोग बोर ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इस फ्रेज को यूज करते हैं, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वेटरन। वेटरन क्या होता है, वेटरन किसी भी फील्ड में एक अनुभवी जो व्यक्ति है, काफी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, जैसे सचिन तेंदुलकर को आप वेटरन बोल सकते हैं, क्रिकेट का वेटरन है वो, क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। मोदी को आप वेटरन बोल सकते हैं, पॉलिटिकल वेटरन बोल सकते हैं, इसको अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, दे आर कॉल्ड वेटरन।
और इसका चूंकि एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है तो वेटरन का एंटोनिम क्या होगा? वेटरन का एंटोनिम होगा अमेच्योर। अमेच्योर मतलब जिसने अभी अभी किसी फील्ड में एंट्री ली है, नया है वो, उसको अनुभव नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अमेच्योर। प्लाइबल मतलब फ्लेक्सिबल। प्लाइबल एक ऐसे व्यक्ति को भी बोलते हैं जो बहुत जल्दी किसी की बात से इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो अमेच्योर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और ये है आपके सामने एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। प्लीज पुट ऑन ए नोट डिक्लेयरिंग दैट मंडे विल बी अ होली डे। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑफिस या किसी स्कूल की इसमें बात हो रही है कि नोट वहां पर आप लगा दो कि मंडे जो है मंडे की छुट्टी रहेगी। प्लीज पुट ऑन ए नोट। तो पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन का मतलब तो पहनना होता है किसी चीज को, तो हम नोट को पहनेंगे थोड़ी। यहां पर नोट के पहनने की बात नहीं हो रही है, नोट को लगाने की बात हो रही है। तो यहां पर हम बोलेंगे प्लीज पुट अ नोट। प्लीज पुट अ नोट, ये ऑन एक्स्ट्रा है इसमें, क्योंकि पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। तो यहां पर ए पार्ट में इसमें गलती है, तो आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर आपका होगा। और देखिए इन क्वेश्चंस में तो ए बी सी डी सीक्वेंस में दिए हैं, लेकिन आपका जो रियल एग्जाम होता है उसमें ए बी सी डी का सीक्वेंस भी ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे हो सकता है ए जो पार्ट है वो डी में दिया गया हो, तो उस सिचुएशन में फिर डी आपका आंसर होगा, क्योंकि ए जो है वो डी में दिया है। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। और यहाँ पर ये एक एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, व्हेन डिड रोहित रिटर्न माय बाइक। तो ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें वैन से ही हम स्टार्ट करेंगे इसको, लेकिन ये एक्टिव वॉइस जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो ये जो बाइक है ये इधर आ जाएगी, रोहित इधर चला जाएगा, ये रोहित सब्जेक्ट है इधर चला जाएगा और बाइक जो है इधर आ जाएगी, ठीक है। तो डिड का इसमें चूंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है तो डिड का वॉज हो जाएगा, वैन वॉज से ये सेंटेंस बनेगा। वैन वॉज माई बाइक रिटर्न बाय रोहित। वैन डिड रोहित रिटर्न माई बाइक। वैन वॉज माई बाइक रिटर्न बाय रोहित। ए इसमें आपका सही आंसर आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड अ लैक ऑफ एफिशिएंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द एयरलाइंस। एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक जांच पड़ताल हुई, उसने किस चीज को रिवील किया? रिवील का मतलब प्रकट करना या रहस्य को खोल देना। तो इन्वेस्टिगेशन ने किस रहस्य को खोला? इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड अ लैक ऑफ एफिशिएंसी। लैक ऑफ एफिशिएंसी जो थी वो कैसी थी? एफिशिएंसी की वहां पर कमी थी, कार्यकुशलता की वहां पर कमी थी, ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने बताया। लेकिन कार्यकुशलता की कमी कैसी थी वो आपको बताना पड़ेगा यहां पर। तो कार्यकुशलता की कमी, इसके लिए सही जो वर्ड होगा वो होगा कंस्पिकुअस। कंस्पिकुअस का मतलब है जो क्लियरली ऑब्वियस है, और जांच पड़ताल में ये सामने आया कि वहां पर लैक ऑफ एफिशिएंसी थी, और लैक ऑफ एफिशिएंसी जो थी वो क्लियरली विजिबल थी, वहां पर सब कोई हर कोई देख सकता था उसको। तो कॉन्सिक्वेंस इसमें सही होगा, हालांकि प्लेन का मतलब भी वही है। प्लेन का मतलब एक्चुअली यहां पर होगा कि पूरे तरीके से। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड अ प्लेन लैक ऑफ एफिशिएंसी। प्लेन भी काफी क्लोज है इसमें, लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंस इसमें सही वर्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग किसकी है। देखिए इमोलेट क्या होता है? इमोलेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की या किसी जानवर की बलि दे देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमोलेट। सेल्फ इमोलेशन का मतलब होता है अपने अपने आप में आग लगा लेना, वो होता है सेल्फ इमोलेशन। सिबलिंग में डबल बी नहीं आता, इमोलेट में डबल एम आता है। सर्जन सही है। सेंट्री एक्चुअली ये संतरी की स्पेलिंग है, जो संतरी होता है जो गार्ड होता है, ये स्पेलिंग गलत है। सिबलिंग में डबल बी नहीं आता, इसमें डबल एम आता है, तो सर्जन सही है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसमें ब्रैकेटेड पार्ट को आपको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। तो ये एक टिपिकल एसएससी क्वेश्चन है। द फुटबॉलर्स हैज बीन आर्ग्यूइंग विद द कोच सिंस मॉर्निंग। फुटबॉलर जो है वो कोच से आर्ग्यू कर रहे हैं कब से? मॉर्निंग से। चूंकि फुटबॉलर्स मतलब कई सारे खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो इसलिए हैज बीन ना लगाते हुए यहां पर हम लगाएंगे हैव बीन। और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हैड बीन नहीं आएगा, हैड बीन इसमें नहीं आएगा, हैव बीन ही यहां पर सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सी हैजंट बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। फ्यू मंथ्स क्या है? फ्यू मंथ्स
फ्यू मंथ जो है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, फॉर सही है। सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर हम लगाते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो ये सेंटेंस सही है और यहाँ पर आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफाइड मॉनिटरी यूनिट। मतलब पैसे का एक ऐसा हिस्सा जिसको एक स्पेसिफाइड मॉनिटरी यूनिट में डिफाइन किया जाता है, जैसे 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिनोमिनेशन बोलते हैं, डिनोमिनेशन। ठीक है, पैसे का एक हिस्सा होता है, एक यूनिट होती है, तो इसको हम, यहां पर सही आंसर होगा ए, टू डिनोमिनेट। बाकी मैंने नीचे इन वर्ड्स के मीनिंग भी दिए हैं। मोनिटाइज वर्ड तो आपने सुना होगा, काफी कॉमन वर्ड है। नॉमिनेट, किसी को प्रपोज करना, मोनिटाइज उसको करेंसी के फॉर्म में चेंज करना, और डीमार्क का मतलब होता है अ पॉलिटिकल स्टेप और इनिशिएटिव, डीमार्क। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड सेवरल हट्स इन द विलेज। इसका वॉइस चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो इसमें वॉज वर्ड तो आया नहीं है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं हो सकता ये। द स्टॉर्म ये सब्जेक्ट है, डिस्ट्रॉयड वर्ब है, पास्ट सिंपल वर्ब है ये। ठीक है, स्टॉर्म ने, तूफान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तूफान ने डिस्ट्रॉय कर दिया किस चीज को, सेवरल हट्स को। कहां पर, इन द विलेज, विलेज में। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए एक्टिव से जब पैसे में आप चेंज करेंगे तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले काम आपका क्या है कि यहां पर आपको वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, सब्जेक्ट की ये वर्ब है और वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है सेवरल हट्स। एक्चुअली हट्स ऑब्जेक्ट है लेकिन हट्स को मॉडिफाई किया है सेवरल ने, ये सेवरल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो सेवरल हट्स जो है ये अपने आप में वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और विलेज जो है ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनता है, तो सेवरल हट्स इसमें सबसे पहले आएगा, सेवरल हट्स से सेंटेंस ये बनेगा। और चूंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए इसमें पैसिव वॉइस में हम वॉज या वर का प्रयोग करेंगे, चूंकि सेवरल हट्स प्लूरल है तो इसलिए हम वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा, सेवरल हट्स इन द विलेज, सेवरल हट्स इन द विलेज हम शुरू में ही ले लेंगे, सेवरल हट्स इन द विलेज वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म एंड में चला जाएगा, तो यहां पर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर, द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर के बाद क्या आएगा, अंडर के बाद हुज ही आ सकता है, क्योंकि यहां पर यह बात हो रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर जिसके अंडर में, अंडर हुज सुपरविजन दिस हैज टेकन प्लेस, फाइनेंस मिनिस्टर जिसके सुपरविजन में ये हुआ है, टेक प्लेस का मतलब होता है किसी काम का होना, द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर हुज सुपरविजन दिस, दिस हैज टेकन प्लेस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर हुज सुपरविजन दिस हैज टेकन प्लेस hasn't made any definite statement. Statement किसने दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दिया है जिसके अंडर में यह घटना हुई है। तो यह हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट, तो पी फिर आर फिर क्यू, पी फिर आर फिर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू, पी आर क्यू इसका सही आंसर आपका होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। He succeeded in proving his point with logic. वो अपने पॉइंट को प्रूव करने में सफल रहा क्योंकि उसने लॉजिक दिया। उसने लॉजिक कैसा दिया, ये यहां पर आएगा, यानी यहां पर इस लॉजिक को मॉडिफाई करने वाला एक वर्ड आएगा। आप अपने पॉइंट को प्रूव करने में कब सफल रहते हैं, जब आपका लॉजिक कैसा होता है, आपका लॉजिक जब कन्विंसिंग होता है, इररिफ्यूटेबल। देखिए रैशनल का मतलब लॉजिकल होता है, तो लॉजिकल बात को भी और अच्छा अच्छा लॉजिक देके काटा जा सकता है, एक लॉजिकल बात को भी और स्ट्रॉन्ग लॉजिक देके काटा जा सकता है, लेकिन इररिफ्यूटेबल का मतलब क्या है, जिसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता, जिसको जिसको
डिनाई नहीं किया जा सकता, इसको हम बोलेंगे इररिफ्यूटेबल। तो हालांकि रैशनल भी यहां पर सही होगा, लेकिन एक एक वर्ड होता है इंग्लिश सेक्शन में मोर करेक्ट, तो यहां पर आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को लेना है, ना कि करेक्ट ऑप्शन को। हालांकि मेरे हिसाब से इसमें दोनों ही ये करेक्ट है, रैशनल लॉजिक भी सही होगा, लेकिन सक्सीडेड देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो सक्सीड हुआ, वो अपने पॉइंट को प्रूव करने में सक्सीड हुआ, इसका मतलब कि उसका जो लॉजिक था वो इररिफ्यूटेबल था, इररिफ्यूटेबल था मतलब काफी स्ट्रॉन्ग था, डिनाई नहीं किया जा सकता। तो बी यहां पर मोस्ट करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इम्पाइटी, इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र, अपवित्र, ठीक है, और रेवरेंस का मतलब होगा है पवित्र या आदर की भावना, और ये तीनों वर्ड सेम है, ब्लैस्फेमी हेयर से ही प्रोफेनिटी, अनादर करना किसी का, ठीक है। नॉर्मली ये धर्म रिलीजन के सेंस में यूज होते हैं, तो रेवरेंस यहाँ पर आपका सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटोनिम पूछा जा रहा है पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब दिखावा करना, ठीक है। तो मॉडेस्ट का मतलब एकदम डाउन टू अर्थ जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं मॉडेस्ट, काफी अच्छा ये वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिनोनिम पूछा है क्लैस्प, क्लैस्प का मतलब हाथ से पकड़ लेना, ग्रेस्प कर लेना अच्छे तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे ग्रिप, ठीक है। कम्यूट का मतलब होता है आना जाना, किसी जगह आना जाना, उसको हम बोलते हैं कम्यूट। क्लीवेंसी का मतलब होता है दया, एक्यूटल का मतलब छोड़ना किसी व्यक्ति को, ग्रिप यहां पर सही आंसर इसका होगा। सेपरेट, सही स्पेलिंग क्या है इसकी, SEPARATE, ए इसमें सही आंसर होगा। और ग्रोटेस्क यानी भद्दा, बेकार, सही स्पेलिंग होगा इसमें सी। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो क्लास में SSC MTS के लिए सभी शिफ्ट में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस ही लिए हैं, और SSC के दूसरे जो एग्जाम्स हैं जैसे CHSL, CGL, CPO, स्टेनो, इन सभी के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको कैसा लगा ये क्लास आप मुझे ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, और फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं SSC और बैंकिंग के लिए इंग्लिश सेक्शन पढ़ाता हूँ, बसंत सिंघल मेरा नाम है, और मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक साइट भी लॉन्च की है जिसका नाम है englishiq.in। इस साइट पर आप ज़रूर विजिट करें, और यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा PDF के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, क्वेश्चंस के फॉर्म में, वीडियो क्लासेस के फॉर्म में, वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस पर मैं धीरे धीरे सारा मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ, और डेफिनेटली आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। तो इस साइट को आप ज़रूर विजिट करें, अपने फ्रेंड्स को भी इस साइट के बारे में बताएं, और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मेरा नोटिफिकेशन आए या कोई भी नया पोस्ट मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।